दोस्तों सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि मेरी आने वाली रेसिपीज आपको जल्द से जल्द मिले। हेलो दोस्तों, मैं शीफा, वेलकम टू फूड स्टोरीज। आज हम बनाएंगे चिकन बंस। ये बाहर जैसे घर में बनाना बहुत ही आसान है और मैंने इस रेसिपी को बहुत ही आसान तरीके से बनाया है, तो आप इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए, ये अंदर से कैसे दिखते हैं, मैं इसे आपको तोड़ के बताती हूँ। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें बंस के लिए डो रेडी करना है, जिसके लिए मैंने यहाँ पर बाउल में 2 कप मैदा लिया है। हम इसमें 1 चम्मच मिल्क पाउडर डालेंगे, ये ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो ही आप डालिए। 1 चम्मच ड्राई ईस्ट, स्वादानुसार नमक और 2 चम्मच तेल। अब हम इन सारी चीज़ों को हाथों से अच्छे से मिला लेंगे। सारी चीज़ें मिक्स होने के बाद हम इसमें ये नीम गरम दूध डालेंगे। मैंने यहाँ पर दूध और पानी दोनों मिक्स करके लिया है। इसे हम थोड़ा थोड़ा डालकर मिक्स करते जाएंगे और इसका एक डो रेडी करेंगे। आप चाहे तो सिर्फ पानी डालकर भी इसका डो गूंथ सकते हो। ये देखिए, डो मैंने गूंद लिया है। अब हम इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे। इसमें हम थोड़ा सा तेल डालेंगे, 1 चम्मच, और इसे अब हम कम से कम 10 मिनट तक गूंद लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने डो गूंद लिया है। अब हमें इस बाउल में थोड़ा सा नीचे ऑयल लगा लेना है ताकि डो चिपके ना। अब हम इस डो को इसमें रख देंगे और इसके ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। अब हम इसे कवर करके 1 घंटे के लिए राइज होने के लिए रख देंगे। डो राइज होने तक हम चिकन की फिलिंग रेडी करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर कढ़ाई ली है। कढ़ाई में हम 2 चम्मच तेल डालेंगे। तेल गर्म होने के बाद मैंने यहाँ पर एक बड़ी साइज़ की प्याज, जिसे चॉप करके लिया है, वो इसमें डालेंगे और इसे अब हम थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होने तक फ्राई कर लेंगे। प्याज ट्रांसपेरेंट होने के बाद हम इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट डालेंगे। फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद डालेंगे 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, ये कश्मीरी लाल मिर्च है, 1 चम्मच ग्रीन चिली सॉस, ये ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो ही आप डालिए, 1 चम्मच रेड चिली सॉस, 1/2 चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच टोमेटो केचप और 1/2 चम्मच विनेगर। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स होने के बाद मैंने यहाँ पर 150 ग्राम्स बोनलेस चिकन लिया है, जिसे मैंने बॉईल करके उसे श्रेड करके लिया है, वो इसमें डालेंगे। फिर से हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। सारी चीज़ें मिक्स होने के बाद हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। नमक थोड़ा डालिए क्योंकि सॉस में भी नमक होता है, इसीलिए हम यहाँ पर नमक कम डालेंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से फिर से मिला लेंगे। फ्रेंड्स, चिकन की फिलिंग रेडी हो गई है। अब हम गैस को बंद करेंगे और इसे साइड में रखेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, डो राइज हो गया है। ये देखिए, अब हम इसे फिर से 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मसल लेंगे। फिर से गूंदने के बाद हम अब इसके बॉल्स बना लेंगे। मैंने बॉल्स बना लिए हैं, अब हम इसमें फिलिंग भरेंगे। फिलिंग भरने के लिए हम यहाँ पर एक बॉल लेंगे
और इसे थोड़ा सा प्रेस करते जाएंगे और इसे फ्लैट करेंगे। उसके बाद हमने जो चिकन की फिलिंग बनाई थी वो इसमें डालेंगे। फिर डालेंगे ग्रेटेड चीज़, ये ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो ही आप डालिए। एक बन हमारा रेडी हो गया है। अब हम एक एक करके इसे बेकिंग ट्रे में रखते जाएंगे। मैंने यहाँ पर बेकिंग ट्रे लिया है और इसे अब हम ऑयल से ग्रीस करेंगे। ऑयल से मैंने इसे ग्रीस कर लिया है। अब हम इस पर ये बन रखेंगे। और ऐसे ही एक एक बन बनाते हुए हम इसमें रख देंगे। मैंने सारे बन्स रेडी कर लिए हैं। अब हम इसे ढक के आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि ये बन्स और थोड़े से फूल जाए। फ्रेंड्स, बन्स हमारे फूल गए हैं। अब हम इसे एग ब्रश करेंगे। मैंने यहाँ पर एक अंडे को फेंट लिया है। अगर आपको अंडा नहीं पसंद है तो आप दूध भी लगा सकते हो। अब हम इसके ऊपर ये तिल डालेंगे। तिल ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो भी आप डालिए। अब हम इसे बेक करेंगे। बेक करने के लिए मैंने यहाँ पर कढ़ाई ली है, आप चाहे तो पतीला भी ले सकते हो। मैंने यहाँ पर नीचे नमक डाला है और इसके ऊपर स्टैंड रखा है। मैंने इसे लो फ्लेम पर 10 मिनट तक प्रीहीट किया है। अब हम इस बन्स के ट्रे को इसके ऊपर रखेंगे और इसे अब हम कवर करेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर 20 से 25 मिनट तक बेक करेंगे। फ्रेंड्स, अब हम चेक करते हैं कि बन्स बेक हुए हैं या नहीं। ये देखिए, बन्स बेक हुए हैं। अब हम गैस को बंद करेंगे और इसे पतीले में से बाहर निकाल लेंगे। पतीले में से बाहर निकालने के बाद हम इस पर बटर लगाएंगे ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। मैंने सारे बन्स को बटर लगा लिया है। अब हम इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे, उसके बाद इसे सर्व करेंगे। फ्रेंड्स, चिकन बन्स खाने के लिए रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।